वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत और बहुत स्वागत है। ओके गाइस, तो आज वो दिन आ चुका है जिस दिन है मेरे शनल लाला का बर्थडे। आज है 11th of May और आज है मेरे शनल लाला का बर्थडे। विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू माय शनल लाला एंड टुडे आई एम वेरी 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 हैप्पी क्योंकि इसी दिन 2019 11th of May को मेरे शनल लाला का बर्थ हुआ था एट शार्प 9:05 पे। मेरी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हालांकि आप पूरा जो मेरे बैठक का रूम देख सकते हैं ना, वो इतना बुरा हाल हो रखा है क्योंकि मैं मॉर्निंग से ही लगी हुई हूँ। एंड अभी फिलहाल मैंने बुला रखा है फोटो खींचने के लिए जो हमारे घर के पास है, जिसने मेरी प्री वेडिंग करी थी हिमांशु को। पूरी तैयारियाँ मेरी हो चुकी है, जस्ट मुझे उसका पहले प्री करवाना है एंड देन उसके बाद होता है आज के बर्थडे की तैयारियाँ। ये ओके, सो फटाफट से प्री शूट करवा लेते हैं। हालांकि मैं पूरी तैयारियाँ कर चुकी हूँ, प्री शूट का व्लॉग जो है आपको वो मिल जाएगा। होप मैं जल्दी डालने की कोशिश करूँगी, बट उसे एडिटिंग करना, उसे व्लॉग करना, सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी फिलहाल मेरे पास है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ क्योंकि मैं कल से लगी हुई थी कनु के प्री शूट एंड बर्थडे की तैयारियां में। जितना मुझे सामान मिला है मैंने उसके साथ तैयारियां कर ली है। तो चलिए चलते हैं प्री शूट के लिए एंड शाम को मनाते हैं बर्थडे। लेट्स गो। आप जा रहे हैं मैं केक लेने के लिए क्योंकि मैंने केक ऑर्डर कर रखा है। उसके बाद जो है मैं बलून की डेकोरेशन करती हूँ आप लोगों के साथ। डेकोरेशन अभी मैंने पूरी नहीं करी है, जस्ट हाफ करी थी। अभी जस्ट हाफ फ्रूट का हाफ करी है। उसके बाद हाँ दूध है तो 2 किलो बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं। डेकोरेशन की जो तैयारियां हैं वो लोग भाई लोग मिलके कर रहे हैं क्योंकि थोड़े बहुत बलून रह गए थे। काफ़ी प्रिपरेशन में कर चुकी थी फोटो के लिए प्री शूट के टाइम पे एंड अभी हो रही है बलून डेकोरेशन, ऊपर भाई लोग कर रहे हैं। अभी मैं करने जा रही हूँ रिटर्न गिफ्ट की तैयारी क्योंकि मेरा एक था कि कनु का बर्थडे में अगर पहले अच्छे से भी करूँगी या इस तरीके का मीडियम भी करूँगी तो उसमें रिटर्न गिफ्ट मैं बच्चों को दूँगी। हालाँकि सबको नहीं बुला रही हूँ मैं, हर चीज़ का हम पालन करके बर्थडे को मना रहे हैं। ज़्यादा शोर शराबा नहीं, ज़्यादा जने नहीं एंड सैनिटाइज़र वगैरह सब चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही करेंगे सब कुछ। सो पहले मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। पैकिंग क्या, एक तरह से सिर्फ टेप का रैप कर रही हूँ एंड सेकंड देन उसके बाद जा रही हूँ मैं डेकोरेशन का सामान बिल्कुल अभी सेटअप करने। फिर उसके बाद शाम को होने वाली है मेरे शुना लाला की बर्थडे पार्टी जो आप लोग शामिल होंगे जिसमें। चलिए ओके गाइस, सो मेरा जो है रिटर्न का गिफ्ट जो है वो ज़्यादा नहीं है क्योंकि मिल नहीं पाया जितना मुझे अवेलेबल हुआ, जितना मुझे मिला। सो मैं उसी का रिटर्न गिफ्ट बनाने जा रही हूँ, बस एक था ख्वाहिश तो वो करने जा रही हूँ पूरी एंड चलिए फटाफट से रैप कर लेते हैं। चलिए मेरे रिटर्न गिफ्ट जो है वो तैयार हो चुके हैं एंड अब मैं जा रही हूँ बलून डेकोरेशन के लिए ऊपर एंड देन उसके बाद पार्टी। चलिए
तो प्रिपरेशन मेरी पूरी हो चुकी है। आपने अगर मेरा कन्नू का प्री बर्थडे शूट वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें डेकोरेशन अलग थी, एंड अब जो रिसेंटली मैंने बर्थडे के लिए जो डेकोरेशन करी है वो अलग है। सो काफी कुछ मैंने चेंज किया है डेकोरेशन में, एंड नहीं दिखा सकती क्योंकि ये सिर्फ व्लॉग में आपको बर्थडे वाले पे ही दूंगी। सो इनफ हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा बर्थडे वाला ये वाला व्लॉग जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, टाटा।